देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में राज्यपाल आनंदी पटेल के साथ शिक्षा मंत्री मोहन यादव, मंत्री तुलसी सिलावट, मंत्री उषा ठाकुर, सांसद भी समारोह में पहुंचे। मंत्री यादव ने मीडिया से चर्चा के दौरान नई शिक्षा नीति के बारे में चर्चा की तो कांग्रेस और कमलनाथ पर निशाना भी साधा। इंदौर में डीएवीवी के दीक्षांत समारोह में विद्यार्थियों को पुरस्कृत करने के बाद शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने मीडिया से चर्चा की। उसी के दौरान मंत्री यादव ने कहा कि डीएवीवी यूनिवर्सिटी का अपना एक ग्रेड है, यह हमारे प्रदेश का सबसे अच्छा विश्वविद्यालय है। यहाँ के विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इससे बाकी विद्यार्थियों को प्रेरणा मिलेगी और यह दीक्षांत समारोह का क्रम लगातार जारी रहेगा। हम उम्मीद कर रहे हैं कि हर सेशन में हर प्रकार से विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करें और जो रेगुलर गतिविधि है उसको अपनी स्वयं मौजूदगी देकर उसकी गरिमा बढ़ाने का प्रयास करें। नई शिक्षा नीति को लेकर कहा कि यह बात बहुत गौरव की बात है, मुख्यमंत्री जी ने हमें इस बात की स्वीकृति दी थी और इसी कारण से हम 2021 की नई शिक्षा नीति को इसी सत्र से लागू करने का निर्णय लिया गया है और बहुत जल्द इसके परिणाम देखने के लिए मिलेंगे। विशेष तौर पर इस नीति में नया सिलेबस रहेगा, वहीं 4 साल में धीरे धीरे बहुत बदलाव आ जाएगा। वहीं नई शिक्षा नीति को लेकर हुई बैठक को लेकर कहा कि उसमें विद्वानों की कमेटी बनाई गई है जिसमें नए सिलेबस में लोगों को जोड़ना है तो इस कारण से काफी मेहनत करना पड़ेगी। क्षेत्रीय स्तर पर भी और प्रांतीय स्तर पर भी विद्वानों की टीम जुटाई है और उसका लाभ हमें मिलेगा। वहीं 15 महीने में हुई भर्तियों को लेकर भी कहा कि इस प्रकार की कोई बात मेरी जानकारी में आएगी तो उस पर कार्यवाही होगी। वहीं पेट्रोल डीजल के मूल्य वृद्धि को लेकर कांग्रेस के प्रधान को लेकर कमलनाथ पर निशाना साधते हुए कहा कि कमलनाथ की सरकार में रहकर भी कुछ नहीं कर पाए और विपक्ष में रहकर भी वह कुछ नहीं कर पा रहे हैं। कल हमने जो कांग्रेस कार्यालय में तमाशा देखा है, ज्यादा अच्छा है कि विपक्ष अपने अंतर मन में झांके और कांग्रेस पार्टी अपने लोगों को समझा और उनसे उम्मीद करते हैं कि विपक्ष की सार्थक भूमिका निभाए। हमारे लिए गौरव की बात है, देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी में आज दीक्षांत समारोह हुआ जिसमें महामहिम राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल की मौजूदगी में मैं, मेरे सम्मानित तुलसी सिलावट जी मंत्री मध्य प्रदेश शासन और मंत्री सुश्री उषा ठाकुर जी, माननीय सांसद, सब लोगों ने इस गरिमा में इस समारोह में भाग भी लिया और जिस प्रकार से ये यहाँ देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी का अपना ग्रेड है, ये हमारे प्रदेश का सबसे अच्छा विश्वविद्यालय है और यहाँ के विद्यार्थियों के लिए स्वर्ण पदक और बाकी प्रकार से जो सम्मानित किया गया, मैं उम्मीद करता हूँ उससे बाकी लोगों को प्रेरणा मिलेगी। और दीक्षांत समारोह का क्रम लगातार जारी है, कल विक्रम विश्वविद्यालय में है, आज दोपहर बाद महू में है। हम उम्मीद कर रहे हैं हर सेशन में हर प्रकार से विद्यार्थियों को प्रोत्साहित भी करें और जो रेगुलर गतिविधि है उसको अपन स्वयं मौजूद रह करके उसकी गरिमा बढ़ाने का प्रयास करते हैं। नई शिक्षा नीति भी ये ज़्यादा गौरव की बात है कि यशस्वी मुख्यमंत्री ने पिछले समय हमको इस बात की स्वीकृति दी थी और इसी कारण से हमने 2021 की नई शिक्षा नीति इसी सत्र से लागू करने का निर्णय किया है। बहुत जल्दी उसके परिणाम भी हमको दिखाई देंगे। क्या क्या विशेष तौर पे चेंजेस किए गए हैं? अभी नया सिलेबस और खास करके फर्स्ट ईयर में हम नया बदलाव लाने वाले हैं, बाकी तो सने सने धीरे धीरे ये 4 साल में पूरा बदलाव आ जाएगा। उसमें हमने विद्वानों की कमेटी बना दी क्योंकि नए सिलेबस में जब लोगों को जोड़ना है तो इस कारण से हमको उस पर काफ़ी मेहनत करना पड़ेगी, क्षेत्रीय स्तर पे भी प्रांतीय स्तर पे भी लगभग विद्वानों की बड़ी टीम हमने जुटाई है और उसका लाभ हमको मिलेगा। फिर कल अभी आप किधर से आए? पूछ लीजिए ना, मेरे को लगा देर से आए थे। मेरी जानकारी में तो उच्च शिक्षा विभाग में अभी ऐसी जानकारी नहीं आई है, लेकिन ये बात सही है कि अगर कोई ऐसी बात आएगी तो जरूर इस पर कार्रवाई करेंगे। सर, कल प्रदेश बंद का आह्वान किया है तो कमलनाथ जी की तरफ से पेट्रोल डीजल के भाव को लेकर कैसे देखते हैं इसको? देखो, कमलनाथ जी अब सरकार में रहते हुए भी कुछ नहीं कर पाए और विपक्ष में रहकर भी कर पाए नहीं, कुछ भी नहीं कर पाए। कल हमने सबने कांग्रेस कार्यालय में तमाशा देखा है, ज़्यादा अच्छा है कि विपक्ष अपने अंतर्मन में झाके कांग्रेस पार्टी अपने लोगों को समझाए और उनसे उम्मीद करते विपक्ष की सार्थक भूमिका निभाए। बहुत बहुत धन्यवाद। नगरीय चुनाव को लेकर भी बड़ा रिपोर्ट, कैनन न्यूज़।